Medals round my neck because I won Now my mama set cause I won Out here making bands, do what I want Get with the phone, I get what I want Hey guys, welcome back to the channel and another new video and once again a very good day at Empty Riddle So कुछ दिनों पहले मुझे एक राइटिंग जर्नल था यहाँ पे इंग्लिश में लाइक एक इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है तो उसमें एक ऐसे लिखना था किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख सकते थे जो कि कोई इनोवेशन हो कोई भी इन्वेंशन या इन किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या कोई भी इंजीनियर्ड सॉल्यूशन के ऊपर एक ऐसे लिखना था सो मैंने चूज़ किया अबाउट अ टॉपिक जो इस कैंपस पे एक काफ़ी नया स्टार्टअप है जिसका नाम है स्टारशिप सो उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के टाइम पे मैंने देखा कि काफ़ी सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करने लायक जितने भी टाइप के अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उन सब में लॉजिस्टिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है और इस कैंपस पे भी एक बहुत अच्छे ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी सोल्यूशन की ज़रूरत थी कुछ साल पहले तक तो एक बहुत अच्छे स्टार्टअप ने एक सोल्यूशन निकाला है हमारे इस कैंपस के लिए और बहुत सारे कैंपस अक्रॉस द वर्ल्ड में अब वो स्प्रेड हो चुके हैं सो बेसिकली हर जगह पे बहुत सारे ऐसे रोबोट्स हैं जो डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करते हैं 6 व्हील्ड रोबोट्स है जो 2 feet by 2.5 feet by 2 feet जितने बड़े हैं एंड इनका वेट लगभग 35 किलोज़ है और इसमें 15 किलोज़ के आसपास तक का पेलोड डाल सकते हैं और जो मैकेनिकल डिफरेंस है इन रोबोट्स में और दूसरे रोबोट्स में वो ये है कि इसके सारे 6 व्हील्स मोटराइज्ड है तो बेसिकली देयर इज नो ड्राइव ट्रेन और ऑल्सो इसके वजह से बहुत कम मेंटेनेंस होता है इसका एंड इसके वजह से इसमें ब्रेक्स डालने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑल यू डू इज़ रन द मोटर्स इन द रिवर्स डायरेक्शन इसके जो चेसी है उसमें पीछे के 2 व्हील्स को आप लीवर पे डाल के उसे इजीली मूव कर सकते हो सो विदाउट स्प्रिंग्स या विदाउट कोई मैकेनिज्म हम इजीली सस्पेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं सो इससे ये बम्प्स एंड टेरेन के ऊपर इजीली जा पाता है विदाउट स्प्रिंग्स एंड सस्पेंशन तो उसमें भी मेंटेनेंस बहुत कम होती है एंड क्योंकि दोनों साइड के जो व्हील्स है वो अलग से टर्न हो सकते हैं इसीलिए इसमें कोई टर्निंग असेंबली भी नहीं है तो जस्ट टर्न करने के लिए ये एक बैटल टैंक के जैसे टर्न करता है ये ऊपर से इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए इसके जो कैमराज है वो चारों तरफ बिछे हुए एंड इट बेसिकली गिव्स यू अ 360 व्यू और इसमें 6 सोनार सेंसर्स है अल्ट्रासोनिक सेंसर्स सो डिस्टेंस मैपिंग एंड एक 3D विजुअल ऑफ द सराउंडिंग्स भी इसे बहुत अच्छे से मिल जाता है जो कंबाइंड मोटर एंड बैटरी का कॉम्बिनेशन है वो इसे एक मैक्स स्पीड ऑफ 10 माइल्स पर आर एंड मैक्स 10 किलोमीटर का रेंज दे देता है जो फॉर कैंपस के आसपास या कैंपस के आसपास की डिलीवरीज के लिए काफ़ी है ना ओके सो दैट वॉज जस्ट द मैकेनिक्स वाला पार्ट बट किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुली रन करने के लिए एक अच्छा इनोवेशन और बहुत ही अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए एंड इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं पहला है डिलीवरी दूसरा है मार्केटिंग एंड तीसरा है डेटा एनालिटिक्स डिलीवरी वाला पार्ट कुछ ऐसे काम करता है बेसिकली इन्होंने एक स्टारशिप ऐप बना दी है और उसे प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे अवेलेबल कर दिया है सो जो यूज़र है वो ऐप डाउनलोड करता है एंड उस पर सारे आसपास के ईटरीज कैंपस की दूसरी चीज़ें इवन कोई स्पॉट्स या कन्वीनियंट स्टोर्स एंड ऑल उन सब के लोकेशंस होते हैं सो उसे बस अपने लोकेशन पे डिलीवरी स्पॉट चूज़ करना है एंड ऑर्डर प्लेस करना है टू व्हाटएवर स्टोर और ईटरी ही वॉन्ट्स टू ईट फ्रॉम एंड द रोबोट्स डू द रेस्ट डिलीवरी फ़ी एक मिनिमल $1 की फ़ी होती है जो इस वक्त बहुत हाई है लेकिन एज ये स्टार्टअप ग्रो होगा इस प्राइस को कम करने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है आई नो एज कम्पेयर टू इंडिया का जोमेटो और अमेजोन ये बहुत एक्सपेंसिव है द नेक्स्ट पार्ट इज़ देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी सो अगर देखा होगा तो ये जो रोबोट्स है इनको बिल्कुल भी
यूजर फ्रेंडली लेआउट नहीं दिया है, इनको जान पूछ के एज अ एलियन अपोज किया है, एज इन इनको प्रेजेंट किया है एज एन एलियन. सो ये एलियंस जैसा इनका लुक रखा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जान पूछ के लोग इनका वीडियो लेते हैं, इनके फोटोज लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पर डाल के उसके मीम्स या जोक्स बनाते हैं. दैट वो एक बहुत अच्छी चीज़ है फॉर द कंपनी, बिकॉज उन्हें फ्री की पब्लिसिटी और फ्री की प्रमोशंस मिल रहे हैं. एंड जो दूसरी चीज़ है, इनके बोर्ड पे, इनके रोबोट्स पे बहुत बड़ा डिस्प्ले होता है और बहुत बड़े बड़े स्टिकर्स लगा सकते हैं. तो बेसिकली ये चलता फिरता नोटिस बोर्ड है. तो मार्केटिंग के लिए इन्होंने दो अपने ही दो चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया है. ओके, सो जो थर्ड कैटेगरी है डेटा एंड एनालिटिक्स, ये इनका रेसिपी है. जैसे पेप्सी प्रोडक्ट जो है उसका रेसिपी, रियल रेसिपी किसी के पास नहीं है, वैसे ये इनका सीक्रेट ऑफ द एंटायर स्टार्टअप है. दिस गोज बैक टू टेस्ला. व्हाट टेस्ला मेक्स इज बेसिक, इट इज नॉट कार्स, इट इज रोबोट्स ऑन व्हील्स. सो जो इनके रोबोट्स है, ये इनके एल्गोरिथम्स, और जब ये ड्राइव करते हैं तो कॉन्स्टेंटली इनके एल्गोरिथम्स चालू होते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं, एज इन जब उन्हें प्रोसेस किया जाता है फॉर ऑटोमेशन ड्राइव, ऑटोमेटेड ड्राइविंग, जब वो लोग स्ट्रीट पे लोगों को स्ट्रीट साइंस, ज़ेब्रा क्रॉसिंग या ट्रैफिक लाइट्स को जब वो आइडेंटिफाई करते हैं. सो वो सारे डेटा को विद टाइम, जब इसे जितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जितना ज़्यादा इसे रन किया जाता है, वो उतना बेटर होते जाता है. इट इज़ AI, इट कीप्स लर्निंग बाय इटसेल्फ. सो दैट इज़ वॉट इवन द बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ स्टारशिप इज. इनके रोबोट्स पे हर जगह पे कैमराज है, हर जगह पे सेंसर्स है, और ये कॉन्स्टेंटली जब चलते हैं तो डेटा एक्वायर करते हैं, उसे क्लाउड पे स्टोर करते हैं ताकि दूसरे रोबोट्स ये मिस्टेक ना कर पाए, और ये कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहते हैं. सो ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस स्ट्रेटजी, क्योंकि इसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है. एंटायर इट इज लाइक अ ब्लंट नाइफ, जैसे किसी नाइफ को धार देने के लिए उसे एक्चुअली और जोर से और यूज़ किया जाता है, वैसे ही ये सिस्टम भी पूरा वैसा ही है. इसे एक्चुअली सक्सेसफुल करने के लिए इसे यूज़ करते रहना पड़ता है ज़्यादा जल्दी और जल्दी, और जितनी ज़्यादा बार यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा होता है. बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं था, स्टार्टिंग में ये बहुत बेकार था. एज इन जब एक बार एक इंसिडेंट में इसे क्रॉस करना था एक रोड को, एक और इसने एक पूरी बड़ी ट्रेन को नहीं रिकग्नाइज किया और उस रोबोट के ऊपर से ट्रेन चला गया था. सो फ्रॉम दैट मूवमेंट, जब उसने एक ट्रेन को भी रिकग्नाइज नहीं किया था, टू दिस मूवमेंट, जब वो एक छोटे इंसान के फुटस्टेप्स को भी रिकग्नाइज कर सके. And I'm not gonna stop winning, and I'm not gonna stop spinning. Lifestyle, I'm locked in it. 10 weeks, I've been top 10. She need me like oxygen. Felt the same till I got finished. As of now, their network has become so good, ready for public trials. Or is a bar metropolitan cities or urban areas may easily abhi for trials bhej sakte. And they say the future is going to be unmanned. And the future is going to be full of drones. And ये clearly एक बहुत बड़ा initial step है for that. And it is a very promising one as well. Okay, so बहुत ज्ञान की बातें हो गई अभी. अभी फटाफट से wrap up करते हैं क्योंकि मेरा एक class है in the next 15 minutes. On top, any minute. Medals round my neck because I won. Now my mama set cause I won. Out here making bands, do what I want.
Okay, so that is it for this one, guys. Hopefully, video अच्छा लगा हो. I know normal video जैसा नहीं था. बिल्कुल भी कोई vlog जैसा नहीं था. It was more of like an engineering vlog, if that even exists. If it doesn't, then I just created a new type of content. As always, social media links in description. Like, follow, share, subscribe. And I'll see you guys in the next one. Bye-bye.